अंदर नहीं तब अंदर यार ना ना अंदर नहीं जा मैं वकील होगा अपने कोर्ट में होंगे वकील होगा कोर्ट के लिए होगा मेरे घर में कोई वकील नहीं चलेगी वकील मैं हूँ अपने घर की कितने दिन से हो गया हस्बैंड वाली तेना भूख खाया उस दिन से खा रही उस दिन से ना क्यों ना मरी तू तब्बू जो मेरे बेटे को कुछ होगा ऊंच नीच तब्बू जिंदा ना छोड़ू देख लियो दोनों ने खत्म कर लियो समझ ले अरे अच्छा एक से एक लड़की है इसमें क्या खराबी है बताओ ना मेरा तो नहीं है पसंद यू तो बनाओ मत ना वीडियो वाचिंग माय चैनल ताविशेक ब्लॉग दोस्तों कल के प्रैंक को जो फेक मैरिज प्रैंक था उस पर इतना सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। दूसरा कि आप सभी ने कमेंट सेक्शन में पार्ट टू के लिए मुझे अपील की है और मैंने कहा था कि अगर आपने 100 कमेंट्स मुझे पार्ट टू के लिए दादी के ऊपर जो करना था मुझे प्रैंक उसके लिए कमेंट्स करोगे 100 तो मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं वीडियो बना चुका हूँ क्योंकि आपने मोर देन 150 कमेंट्स छोड़े हैं पार्ट टू के लिए दादी के ऊपर प्रैंक करने के लिए। दोस्तों मैं वीडियो शूट कर चुका हूँ ये इंट्रो शूट कर रहा हूँ मैं बाद में तो वीडियो काफ़ी अच्छी और थोड़ी सी लंबी है प्लीज़ एंड तक देखना। दादी बहुत अग्रेसिव हो चुकी थी उनके एपिक रिएक्शन आए हैं और मुझे भी बहुत घबराहट हो रही थी तो वीडियो को स्किप मत करना एंड तक देखना। और मैंने एक चीज़ और बोली थी कि अगर कोई नया यूट्यूबर है और वो मुझे अपने चैनल का नाम नीचे मेंशन कर रहा है तो मैं उसको शार्ट आउट दूंगा तो शार्ट आउट के लिए पहला नाम है AS जैद बोस करके उनको सब्सक्राइब कर लेना सपोर्ट करना भाई को। दूसरा दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना यार काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और इस बार मैं एम रखता हूँ 1000 लाइक्स का इस वीडियो के ऊपर और 150 कमेंट्स का। अगर इसका पार्ट 3 चाहिए ये भी बता देना किसके ऊपर करना है और अपने अपने आइडियाज़ देते रहा करो मुझे कमेंट सेक्शन में कि इस पर प्रैंक बनाओ बहन के साथ पापा के साथ मम्मी के साथ या बाहर जैसे भी मैं उसके ऊपर वीडियो शूट करूँगा तो एंड तक देखना स्किप मत करना। जो लोग मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की आईडी है मुझे इंस्टा पर फॉलो करना और मुझसे वहाँ पर बात कर सकते हो एंड थैंक यू सो मच ऐसे ही प्यार देते रहो मैं आपके लिए काम करता रहूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक देखना स्किप मत करना प्लीज़ यार। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं दादी के घर ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं बाहर खड़ा हूँ रोड पे और मतलब सीरियसली जैसे कि जेन्युइन प्रैंक है तो घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है और टेंशन भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि दादी जैसे मैंने बताया ना बहुत गुस्से वाली है बहुत गालियाँ बकती हैं। तुझे कैसे लग रहा है इसमें? डर भी लग रहा है और खुशी भी हो रही है। डर भी लग रहा है खुशी इससे ज़्यादा मुझे हो रही है। अब देखो क्या होता है अब बस थोड़ी देर में हम निकलते हैं दादी के घर और जो कुछ होता है ना एक एक्ट में सिंगल टेक में आपको दिखाते हैं तो चलो मिलते हैं फटाफट। थोड़ा ना घबराहट हो रही है उसको कर लो एंजाइटी कम कर लो अपनी। जैसे ना दादी के घर पर एंटर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा घबराहट और एक्साइटमेंट हो रही है। एडवोकेट हमारे सचिन है वो तो पता ही और जो भाई हमारे गवाह है जो हमारी गवाही देंगे वहाँ पे देखते क्या होता है आगे चल के सब दिखाता हूँ। जिक्र भी नहीं करा फिर कर ली चाचा शादी ऐसे कैसे कर ली बच्चे अंदर बिठा लो अंदर चलो नहीं बैठ भाई अंदर नहीं अंदर कैसे ले लेगी यार तू कैमरा ऑन भाई ये क्या बना रहा है ये कैमरा ऑन कर ले भाई और क्यों बना भाई तू ये कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे ये एडवोकेट हमारे कहाँ के वकील है यार ये कोर्ट से आए कैमरा ऑन कर ले भाई मेरी सेफ्टी के लिए पापा ने कल मुझे बहुत मारा है इस केस के ऊपर ना भाई ना कैमरा ऑन कर ले अरे कहाँ के वकील है कौन से वकील है यार फुफियो दादी मैं सुन जाओ तो बैठो आओ तो बैठो क्या अच्छा बैठो तो बैठो चलो वो एडवोकेट ने बोल चलो अंदर क्यों ले जाएगी तू पागल हो रही अंदर लेके जाएगी अंदर निकले भी ना ये बैठ दो दादी बैठ दो पहले मुझे
बताओ कहाँ क्या है, कहाँ से लेकर आया, पहले मुझे नु बता। अरे ये तो कच्चे क्वार्टर में चाहिए। अच्छा, मैं काम करती थी दादी पहले से, मतलब इसके साथ मेरा था प्यार व्यार करता था मैं इससे। अब पापा ने अभी परसों दरसों ना एक वो करा था, तो कह रहे थे कि शादी वादी कराएंगे, जबरदस्ती चेप हो रहे थे शादी करवाने के लिए, शादी करवाने के लिए चेप हो रहे थे, तो फिर मुझे करनी थी इससे, तो मैंने इससे कर ली शादी कि कहीं और ना करा दें। तेरे पापा तेरे से चेप हो रहे थे शादी करवाने के लिए, तू हमसे भी सलाह लेता, हमसे क्या करता, तुमने करवाई किसने करवाई कोर्ट में? ऐसा इनका बहुत सालों से था, इसके पापा मानते नहीं थे। देखो इसके पापा को हमने भी बहुत समझा के देख लिया था, कहते नहीं हमारे लायक नहीं है, लेकिन अगले प्यार करते थे तो फिर भाई बेशक से प्यार करते एक बार देख तो नहीं है। दो घर खराब भी तो होते थे ना, अगर ये अलग हो जाते खराब ना होता घर, ये बताओ बच्चों की खुशी में ये खुशी है घर वालों बेटा फोन में हमारा फोन दादी वो एडवोकेट ने करवा के मैं नहीं बनवा के अपने बिल्कुल भी वो नहीं बनवा के मैं वीडियो मेरी मत बनाओ। नहीं नहीं वो तेरे पापा ने क्या कहा तेरे को? तेरे पापा ने क्या कहा भाई? पापा ने मुझे बहुत मारा कल, मेरा गुस्सा उठ गया फिर मैं आ गया। तेरे पापा नहीं रख रहे तुझे फिर हम क्यों रखेंगे भाई? जिसके बाप मां बाप नहीं रखे हम क्यों रखेंगे इसे? तो हम ये घर भी तो फिर हमारा नहीं। देखो आप बड़े हो आपको मान जाना चाहिए भाई, बच्चों की खुशी में खुशी है। मकान जो है तेरा मकान तेरे नाम नहीं, मकान मेरे नाम है, अभी तो तेरी माँ के बेशक से मैंने करवा दिया, मैं जिंदा बैठी हूँ, मकान मेरा है। तो दादी वहाँ से पापा ने भगा दिया, मैं कहाँ जाऊँ? पापा ने भगा दिया, सही भगा दिया, तेने पापा की इज्जत नहीं रखी, तेने अपने माँ बाप की इज्जत, दर बुढ़े मरे हम कहाँ जाके मरेंगे, हमारी इज्जत नहीं रखी तेने। अब मैं कहाँ जाऊँ? तेने बिना मजब की क्यों करी, पहले तू शुरू से करा, तेने पहले क्यों ना हमें रोया, पहले क्यों ना बताई तेने हमें, नू बता मुझे। दादी प्यार करता था मैं किसको, कौन माने? तुम्हारे नंबर ना मैं भाई वकील वकील बना दूंगा एक मिनट में सर, अभी कोर्ट मैरिज हो गया, आप ऐसे हाथ नहीं लगा सकते, है वो तो वकील हो कोर्ट में, आप ऐसे हाथ नहीं लगा सकते इनको, आप मैं चोर हो चुके हैं, कार्रवाई हो जाएगी आपके ऊपर भी, ऐसा नहीं है कि अंडर 18 से ऊपर है। मैं भी कच्चा क्वार्टर का ही हूँ, मैं इसके साथ ही रहता हूँ कई साल, उसका चिंटू का भाई है, चिंटू का भाई है। तो मैंने भैया को गवाह में लिया था कि मेरी शादी करनी है मुझे इनसे, कोई मान ही नहीं रहा था, चिंटू ने जिक्र नहीं करा रहे, पापा से नहीं पूछ, पापा से कैसे पूछता मैं, पापा मान कैसे जाते हैं तो बताओ, पापा कैसे मानते हैं? अपने पापा से बात करो मेरी, चिंटू ने हमारे जिक्र नहीं करा, हमारे आगे दिन हम वहाँ गए थे इसे लेने के लिए, इसके पापा को तो काफी टाइम से बता रखे हमने, वो मानते ही नहीं थे, पापा मान ही नहीं रहे, जब तुम साथ उठते बैठते हो तो पापा नहीं मान रहे तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, नहीं है तो चलो भैया बच्चों की खुशी में ही बड़ों की खुशी होती है भाई, इसका कोई समाधान निकलो, ये हो ही नहीं सकती, जिंदगी बेकार करने में तो मट्टी मिला दिया, हम तो जीते जी मार दिए, वो बता तो जब भाई यही पाई और कोई नहीं पाई, इसमें क्या दिक्कत है, क्या खराबी है? हम जो करवा रहे थे उसमें दिक्कत थी, इसमें दिक्कत थी, मैं प्यार इससे कर रहा, मैं किससे करता शादी है तो बताओ, जिससे दादी जो जो मेरी पसंद होगी मैं उसी से तो करूंगा, मैं जिंदगी नहीं खराब कर सकता अपनी किसी अनजानी लड़की से शादी करने, तेरी आदत खराब कर दी, तुझे बाहर निकाल कर, तुझे बाहर निकाल कर ये वीडियो बना रहा फलाना बना रहा, तेने हमारी मुझे नहीं पता, मैं दादी यहाँ पे जगह चाहिए, मैं यहाँ पे रहूंगा, दादी मैं यहीं रहूंगा, कहाँ रहूंगा, भाई बिल्कुल भी ना रखे, चाहे कोर्ट के सो चाहे पुलिस में फोन मार ले, कहीं मार ले, बुला ले पुलिस, फिर मैं जाऊंगा घर पे, गए पापा ने मारे मेरे, कहीं भी जा, लीगल है 18 साल से तो ऊपर शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बुला कुछ करे। अरे तो मेरे भाई तू भी वकील बन रहा है, 18 साल से पहले कर सके, मेरे ढोल आ रहे नहीं आ रहे हैं, मैं बुढ़ापा आ गया, अरे तो मेरे की नहीं, मेरे की नहीं, मैं क्या कर लूंगी इसका, बच्चों की खुशी है उसमें क्या, बाहर में जा बच्चा खुशी, बच्चे ने अपने माँ बाप की दादी दादा की ना इज्जत समझ रखी है भैया, तो तू ले जा वकील अपने घर में, या चिंटू का भाई वो क्यों लेके जाएगा, तो मैं यहाँ रहूंगा ना, मैं इस कमरे में रहूंगा, इसमें यहाँ पर क्यों रहेगा भाई, क्यों हमारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, ऐसा दोस्ती में कर रहा हूँ जी, मैं तो दोस्त है मेरा शुरू से ही है, शुरू से दोस्त था, तो किसी का कानन में नहीं गेरी, नहीं मास्टर जी को तो बता रखी है मैंने कब से, मास्टर जी को बता रखे और दिमाग में बता रखा तो नहीं कर, मास्टर जी ने उनको समझा लिया, नहीं मानते थे, अभी ये कुछ गलत कदम उठा ले तो अच्छा है, अगला गलत कदम उठा लेते डोल रहा है तू, कहीं वो बनाता डोला वीडियो तू, कहीं तन अपनी नौकरी भी बराबर कर दी है, दादी प्यार में समझ में नहीं आता, डंडा लेकर टांग तोड़ दे इनकी, प्यार में प्यार होगा अंधा बहन चौथ का है, प्यार बनकर तुम्हारी स्टेशन में चुप बैठी रहे, बुढ़िया ज्यादा नहीं बोल रही है, फालतू मत बोले, बुढ़िया ज्यादा बोलेगी, बुढ़िया के दर्द ना हो रहा है, बुढ़िया ने पैदा कर करके पढ़ा लिखा कर नहीं छोड़ रखे, बुढ़िया के बाप से बूझ कैसे हो रही है, अब बुढ़िया के औलाद से बूझ है, उसको मना फालतू बनाओ मत ना वीडियो, तू पिट जाएगा मेरे घर, समझ ले देख, खड़ा हो ले जूता मेरे पैर में, बंद कर ले दर्द ना, किसका दर्द है, वो बंद कर,
काट दे लगा सकते क्या भाई, तब तू निकल जा यहां से। मैं नहीं जा रहा ऐसा, तुम इसके भाई तेरे निकलना पड़ेगा। सुन बंद हो किराए पे रह लो, किराए पे क्यों रह लो फूफी में, कमाता नहीं, कमाता नहीं तू, किराए पे रह लो। इसको कहां रखूं मैं, इसको किराए पे थोड़ी ना रखूं। तू हमारी हिम्मत बनावे, तेरे मां-बाप राजी हैं, तू अकेले कहां से कौन चलेगा? इसके मां-बाप राजी नहीं, कोई भी राजी ना जा, हम राजी ना, इसके मां-बाप कहां से राजी हो जाएंगे? कोर्ट में मत जानो सारे वकील ने, चल मेरे साथ चल कोर्ट में, मैं कोर्ट में बैठता हूँ। तूने पैसे लेने के नोट के मारा था, कर दिया होगा मैं। जिंदगी खराब थोड़ी ना करूंगा किसी से भी, शादी कर लूंगा खराब अब ना करूंगी। तेरा बाप अटैक का मरीज है, हमारी खराब करने बाप को ना देखा। बाप कहाँ जिएगा, तेरा बाप मरेगा जिएगा, नो बता मुझे। अब मैं बताऊँ मैंने कर ली तो क्या करूँ मैं, अब मैं सबके थोड़ी देखूंगी, पापा की देखूंगा, इनकी देखूंगा, पापा की नहीं देखा। दादी ये तो बताओ जिंदगी मेरी खराब हो जाएगी, मैं किसी अनजानी लड़की से शादी करूंगा? जब हम तेरे से उस दिन से कह रहे हैं, जब क्यों ना रोया क्यों ना मरा, जब तो तुमने करा भी नहीं करवा था, अभी नहीं करवा था। एक से एक लड़की है तो इसमें क्या खराबी है बताओ ना, इसमें मेरा तो नहीं है पसंद, मुझे तो पसंद है ना वो, ये हमारा भी तो घर है, इस कमरे में रहूंगा दादी, मैं तो नहीं यही रहूंगा, मैं निकालती अपना सामान, अभी तो ये अम्मी का ही नाम है, कोई नहीं मैं रह लूंगा फिर नाम अगर किसी तो जब इतना कमा रहा तू तो किराए पे रह ले, किराए पे नहीं रह सकता, तू ना रह सकता किराए पे, सोनीपत में रह ले किराए, नाटकबाजी करवा देते नहीं। अब बैठ जाओ, इसके पापा को बुला लो, बात हो जाएगी बैठ के, आ जान दे बुला लो, इसके पापा को बुला लो, ये बात हो जाएगी बैठ के सारी। ये पापा को क्यों बुला रहे हो, वो फिर आगे मारेंगे मुझे, वो सही मारेंगे। नहीं नहीं मास्टर जी को मत बुलाओ, आप ही निपटारा कर लो ना, जो है आप ही निपटारा कर लो, घर में अपने बिल्कुल भी भाई, बच्चों की खुशी में आपकी खुशी नहीं है। अब तक हमारी भी बोलचाल बढ़िया, अब हो जाएगी खराब है, फिर हमसे नहीं कहेगा कि तुम कौन रखने वाले हैं, तो मैं थारा अपना नहीं हो गया ये बताओ, तो अपन से भूली तो ना है दादी, मैं तुम्हारा अपना नहीं हो गया ये बताओ, नहीं तो हो गया ही अपनी माँ बाप से करता ही, तेरे माँ बाप क्यों ना आए, तेरे चेहरे नहीं मान दे, इसके नहीं मान दे तो क्यों तुमने करी, ये बताओ लड़की ने भी ना देखी अपने माँ बाप की इज्जत है, आजकल इतनी इतनी उम्र क्यों होकर अपने माँ बाप देखे वो इज्जत नहीं देखा, अरे जा दूर से मर जा, तुम मकसद हो तो देख ली हमारे माँ बापन की, कहाँ इज्जत मिल रही है, कहाँ मट्टी मिल रही है, ऊपर हो गया अब तो शादी की उम्र हो जाती है, अपने अपने बारे में सोच, अरे मैं तेरे कैमरे को फोड़ दूंगी फोन को, ये समझ ले है कौन तू, मैं तेरे दोस्त की बेबी बनवा दूं, मैं इसके बहन चल कर सिर पर फोड़ूंगी, देख ले जूती मैं मारूंगी, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं, कल पापा ने मेरे बहुत मारे, मेरे बच्चा ने मारे, एडवोकेट को लगाया था, अरे भाई इसका वकील के भी लगाए के, ये क्यों लेके आए यहां पे, तुम पैसों के लिए किसी का नाश कर दोगे, कोर्ट के लिए होगा, मेरे घर में कोई वकील नहीं चलेगी, वकील मैं हूँ अपने घर की, ठीक है चलो कोई बात नहीं, फिर बैठ के अपने घर में मारूंगी, या तो अरे तू बंद कर दे, बैठ के फैसला कर लो, कोई बात नहीं बैठ के हो जाएगा, बंद करवा दे तू कैमरा, बंद करवा इसकी वीडियो हो जाएगी, अरे तू बंद कर दे, इसलिए इसलिए चल रहा है वीडियो ताकि आप इनके ना मारो, तेरे मार तुम्हारे तीनों का मारूंगी, देख ले समझ ले, मेरे हाथ में झूठा है, इस टाइम मेरा खून खोल रहा है, इसका मार दे एक बार, नाम भी लिखवा दिया सबका, अगर कल को मुझे मैंने सबका नाम लिखवा रखा, अगर कोई हाथ उठाएगा मुझ पे कुछ करेगा तो उनको हमें मारा तो गए बहन चोद, तो कार्रवाई वाले ने देखो मैं घर में मत बोले, अंदर नहीं जाएगा क्यों, ना ना अंदर नहीं, तब अंदर नहीं जाएगा, बाप हमसे कहेगा भैया, हमसे कहेगा कि तुम कौन, ऐसा तो इससे तो बिठा लो, अब नहीं ले लेगा भाई, बिठा ले चल, मेरा बाप आएगा ले जा, कोई बात नहीं बिठा ले, आ जान दे इसको, बुला लो फिर जिसको बुलाना है, बड़ी बुला लो आप, मैंने मेरे तो जीते जी मार दिया है ना, ये बुढ़िया ज्यादा नहीं बोल रही, अरे तो मत बोले, बुढ़िया बुढ़िया, तुझे कोई बोला कुछ, तो
आप मेरे हस्बैंड के बारे में बुरा बोलोगे मैं हस्बैंड लूंगी पहले हमारा कब से है तेरे हस्बैंड कब से है आप बुला लो इसको बुला हस्बैंड का नंबर दे रखा मेरी बहू ने आपके बारे में बुरा बोला पैदा करा आज तू हस्बैंड वाली आ गई कितने दिन से हो गया हस्बैंड वाली तने गु खाया उस दिन से खा रही उस दिन से न क्यों ना मरी तू जब तेरे माँ बाप ने नहीं आ करे तेरे घर नहीं मना करे बुढ़िया बुढ़िया करिए डूब कर जब तेरे माँ बाप नहीं कर रहे तेरे माँ बाप अपनी माँ को भी बुढ़िया बुढ़े के पढ़ी ना रही तू कैसे बोलते बड़ों से लाख बार बुरा बोलेंगे तू तो सही बोलेगी इज्जत से बोलेगी ना तू तो ये कहेंगे गुस्से में कहेंगे ये तो सब कुछ कहेंगे अब मुझे नहीं पता मुझे जगह दे दो यहाँ पे मैं तो जगह नहीं देती बेटे बेर धोर जगह नहीं बैठ जाइए सुबह देगा जगह बताओ मैं तुम्हारा अपना नहीं होगा अगर चलो वहाँ से पापा ने भगा दिया पहले ही सुबह हमारा मैं ये तो सोच के की चाचा दादी है यहाँ पे हाँ ये सुबह पहले हमारा होता तो हमारे पूछता ना पहले फिर अगर मैं पूछता करा देते तुम करा देता क्या कोई मेरी शादी तेरा पापा नहीं मान रहा था मैं करके नहीं सलाह मशवरा मैं करती मैं करवाती तेरा मैं करवाती तू कम से कम मेरे कानन में गिरता मेरे से पूछता तू कोई नहीं करवाता दादी तो ना तेरी शादी क्या होती तू तो ऐसे रहता तो मेरी... हम कितने दिन हमने निकाला था ना हमें हमने नुई निकाला तेरे बाहर पैर नुकर ले बेटे तू अभी तुझे बोलने की तमीज ना तो आगे क्या तेरे माँ बाप तेरे साथ नहीं आए तेरे करवाने के लिए कुछ नहीं आए तो तू नु बता तू किस मुँह से आ गई इसकी गैल और आज तू इसे हस्बैंड कर लगे अभी तक हमारी होगी फिर इज्जत से बोल रही है मेरे बेटा मर जाएगा फांसी खा कर मैं किसके लगूंगी नू बता दे तब्बू जो मेरे बेटे का कुछ होगा ऊंच नीच तब्बू जिंदा ना छोड़ू देख लियो दोनों ने खत्म करूंगी समझ ले पुलिस में भेज सकते बन जाऊं जेल में बन जाऊं सब कुछ कर लूंगी मैं बेटे तुझे नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल दोनों पीछे भी छोड़ अंदर कैसे लग जाएगा मैं देख रहा हूं अंदर कैसे लग जाएगा यार तुम ना ना अंदर निकल जा मैं बैठ जा बैठ जा बैठ नहीं अरे ये तो बुके ना बेटा मैं किराए पे क्यों रहूं जब हमारे घर है यहाँ पे तो पापा ने वहाँ से मुझे पापा ने मुझे वहाँ से भगा दिया मेरा घर अभी सही भगा तेरे बाप ने सही भगा मैं बैठी हूँ तेरे बाप का भी नाम नहीं है मेरा घर नहीं देते किसी को मेरा इसमें कुछ हिस्सा नहीं है क्या मेरा कुछ यहाँ तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं है क्या मेरे लिए भी कुछ नहीं तुम्हारा खून नहीं हो गया मैं मेरा कुछ नहीं अब तो नहीं है मेरा मेरे बेटे की इज्जत रखता था मेरा खून था ना मेरा वीडियो बंद मत करियो और यहाँ क्या बना वीडियो साफ आगे बना बना इन दोनों की बना ले भाई तू वीडियो मत बना रे वीडियो बना करो वीडियो चालू रही अरे अच्छा वीडियो चालू रही भाई एडवोकेट है वो एडवोकेट है क्या का एडवोकेट वो एडवोकेट नहीं नहीं चालू लग रहा है भाई पापा आ गए पापा क्या हो गया 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 अरे हमारा दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने क्या बैठ तो सही बैठ तो सही बैठ बैठ बंद कर बंद कर बंद कर बैठ तो सही पहले एक मिनट रुक तो सही रुक 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 ये मजाक वीडियो बना रहे हैं ओरिजिनल नहीं है नकली है सब नकली है ये सारे बंदे नकली है ये हंसी मजाक की वीडियो बना रहे हैं सारे मिले रहे हैं कौन अंकल जी डायलॉग सिखा के भेज रखे इसको डायलॉग सिखा के भेज रखे सारा सेट हो गया अरे हंसाने के लिए भेजा है थोड़ा हंसाना दादी को चाचा के अंदर दादी की तबीयत मुझसे खराब है उठ नहीं गया मैंने कहा चलो जबरदस्त देखो ना मजा आएगा हम सुन रहे हैं फोन पे सुन रहे सारा गाड़ी पकड़ के गाड़ी पकड़ने के लिए मंगा मार अरे मत बनावे रे ये तीन पे लगा वो वकील भी नकली है बहू भी नकली है सारे नकली है हंसाने के लिए आए बताने के लिए नहीं होता हम पानी यूपी का भी तो रिएक्शन नहीं है बाबू से मत
पानी पिला मारा इसको नहीं मारा अब हंसते हो मारा नहीं मारा इसको खड़े हो जी का मैं घर में नहीं जाओगे कोई भी ये वीडियो शूट करने के लिए तो आ रहे हैं पानी देख रहे खड़े हुए अरे दादा तो अंदर आए दादा का आशीर्वाद नहीं चल जा वो तो कहते ठीक है यशिका यही रहेंगे अंदर ही बैठ जाओ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो बना लाइक कर देना शेयर कर देना जितने हो सके उतना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना।